नमस्कार दोस्तों, गौरा नीटिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे इस तरह का नीटिंग पैटर्न। ये मैं आपको यहाँ पे स्कार्फ पे बना के बताती हूँ, और मफलर भी कह सकते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, इस पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 28 नीडल्स पे मैंने जो है कि डिज़ाइन अपना बनाया है, और इसको आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, स्वेटर पे, फ्रॉक पे, शॉल पे, स्कार्फ वगैरह कुछ भी। देखिए, ये मैं यहाँ पे मफलर बना रही हूँ। तो नीचे से जब आप स्टार्ट करो, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी आपको दिख रहा होगा कि 4 सिलाइयाँ लगाई है मैंने, क्योंकि मैं इसे बीच से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने ये 4 सिलाइयाँ लगाई। जब आप स्टार्टिंग शुरू से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, तो यहाँ पर आप 8 सिलाई लगाना है। 8 सिलाई में जाने के बाद हम यहाँ पर अपने गार्टर स्टिच करने होंगे। तो इसके लिए हमें टैपर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, 2 फंदे छोड़ देंगे, हमारा तीसरा फंदा है, इसके हम 2 फंदे छोड़ेंगे। देखिए, 1 2, तो इनको बुनेंगे हम। इसे भी ये भी वैसे ही सिर्फ 2 फंदे खोलेंगे और फिर हम उनको बुनेंगे। इसी तरह से जो हमारी पूरी जितने भी फंदे हैं इसमें, उन सबको हम बुन लेंगे। जो हमारे लास्ट के ये 2 फंदे होंगे लास्ट के, इनको हम छोड़ देंगे, इनको बुनना नहीं है, इन्हें छोड़ देना। देखिए, पूरी सिलाई लगा दी है मैंने इस पर, उसी तरह से फंदे को खोल के बुन लिया है मैंने इसे, और लास्ट के जो 2 हमारे फंदे हैं इन्हें मैंने छोड़ दिया है। अब हमें इस पर 2 सिलाई और लगा लेनी है। दो सिलाई लगा दी है मैंने। अब इन जो हमारी नीडल्स हैं इनको हम आगे की तरफ करेंगे। हल्का सा पीछे कर लेंगे इसको हम। जो हमारा ये धागा है निकाल लेंगे हम इसे कैरेज से, और इस तरह से हम इस पर इस तरह से हमने इसको पीछे की तरफ ले लिया। देखिए, इस तरह से हमें इनको पीछे की तरफ खींच लेना है। जितनी हमारी नीडल पीछे की तरफ जा रही है पूरी पहले की पोजीशन पे, इसी तरह से हमें सभी नीडल्स को इस तरह से खींच लेंगे इन सारे, और जो ये हमारा ट्रांसफर नीडल है हमारी ये वाली, इससे हम ट्रांसफ़र करेंगे। साइड के 2 फंदों को छोड़ के 3-3 पे हमने ये ट्रांसफ़र कर लेने हैं अपने फंदों को। इस तरह से 3 फंदे हम अपने इस साइड कर लेंगे लेफ्ट, और 3 को हमने कर लेना अपनी राइट साइड। जैसे हम केबल बनाने पे अपने फंदों को ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे ही छोड़ना नहीं है इधर हमें। उससे अगली वाली जो 3 नीडल्स हैं उन्हें भी उतार लेंगे, और इस तरह से ले लेंगे हम इसको।
है। इसी तरह से कर लेंगे हम पूरी जो हमारे फंदे हैं सब, तीन तीन से कर दिए हमने इनको ट्रांसफ़र। और हमारी जो नीडल्स हैं, नीडल्स को हम आगे की तरफ कर देंगे। जो हमारा कैरिज या हुक्स है, ये इन्हें हम पीछे कर लेंगे दोनों हुक्स, और दूसरी साइड ले चलेंगे अपनी कैरिज को। धागा जो ऊन का, जो ये ऊन है हमारा, इसको हमने कैरेज में लगा लेना है। फिर हुक्स आगे किए और चार सिलाई लगा लेनी है, 1, 2, 3 लग गई मेरे चार सिलाई। अब देखिए फिर से वही करना है हमको, यहाँ से दो फंदों को नीचे उतारेंगे हम, जो हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही हमें से खोलना है। और फिर इसी तरह से हमें तीन तीन के फंदों को डिवाइड करना है। देखिए अब हमारे ये डिज़ाइन जो है इस तरह से बन के आ जाएगा। इस तरह से आएगा, देखिए बन के, देखिए अब इसे मैं सैंपल के लिए बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि इस पे हमें अपना मफलर या स्कार्फ किस तरह से बनाना है। तो इसके ऊपर फंदे मतलब जब आपका पूरा मफलर तैयार हो जाएगा तो हम ऊपर के इन फंदों को हम बंद कर लेंगे, ठीक है। ये तो मैंने सैंपल के लिए बनाया है, अगर आपको मतलब बड़ों के लिए बनाना होगा तो उस पर आप 50 फंदे रखेंगे। तो चलिए फिर हम इसे फंदे बंद कर देती हूँ मैं, ताकि मफलर हो गया हमारा तैयार इस तरह से। तो अब हमें इस पे ये जो झालर टाइप के होते हैं जो, इसको लगाना है। इसको हमें कैसे अटैच करना है, देखिए चार जो है, चार बार हमने धागे को फोल्ड कर लेना है, बराबर कर लेंगे हम इसको। और जैसे मैंने इसको अटैच किया है इसीलिए, देखिए उसी तरह से हमें ये भी करना है। थोड़ा सा इसके बीच में हम गैप दे देंगे और इस तरह से डाला होल में जो ये फंदे हमारे, इसे हमने यहाँ से इस तरह से बाहर निकाल लेना है। ले लिया हमने इनको। अब जो हमारा ये होल है ये, तो इसी में से हमने इसको बाहर निकाल लेना है। ये इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा हमारा ये। एक बार फिर बता देती हूँ, इस तरह से बराबर कर लेंगे हम। छोटा बड़ा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बाद में आप इसे फिनिशिंग दे दीजिएगा। थोड़ा सा इसके बीच में हम गैप रखेंगे, जितना इन दो के बीच में है इतना ही हम इसके बीच में गैप रखेंगे। क्रोशे से हम इसे इस तरह से ले लेंगे ले लिया हमने। और इस होल में हमने इनको इस तरह से डाल देना है। ये तो हमारे इस टाइप से झालर आ जाएंगे। जितने आपको ये लंबे चाहिए आप उतना इसे रखिएगा, और बाकी जो नीचे का वेस्ट होगा उसे आप काट दीजिएगा। अब इसके साइड में अगर आपको कोई वर्क करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना, अगर तो वर्क आपको करना है तो वैसे तो ये प्लेन भी रहेगा तो भी ठीक ही लगेगा, पर अगर आपको इसमें वर्क करना है, थोड़ा और फिनिशिंग देनी है, तो आप इसे क्रोशिया से, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, क्रोशिया से हम इसकी, जैसे हमने उसमें बॉर्डर बनाई थी पिछली वीडियो में फ्रॉक की, तो उसी तरह से हमने इसकी भी जो है बॉर्डर बनाते हुए चले जाना है। और इस साइड से हम करेंगे, इधर से अगर करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है। और आपको इस तरह से ये लटकन टाइप की लगानी है तो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये क्या करना है। और इस साइड से हम क्रोशे से कर लेंगे और दूसरी साइड से भी क्रोशे से कर लेंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ऊपर नीचे अगर आपको करना है तो ठीक है, नहीं भी करना तो कोई बात नहीं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।